जब देश के कोने कोने में और देश में नहीं विदेश के कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती ना मनाई जा रही है। ऐसे महापुरुष की जयंती पर यदि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ बाबा साहब की जयंती को एक दिन मना लेना और बाबा साहब की बात को ना मानना, ये साथियों हमारे इस देश के अंदर जो स्थिति है ये बड़ी चिंतनीय स्थिति है। जब तक हम बाबा साहब की बातों को नहीं मानेंगे तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं। आज ये तो खुशी की बात है, इस देश के अंदर कोई ऐसा मंच नहीं है जो लोग कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से नफरत किया करते थे, जिन्हें काले झंडे दिखाया करते थे, जिनके नाम से उन्हें नफरत थी, मगर आज देश के अंदर बाबा साहब ने वो मजबूरी पैदा कर दी कि आज उन्हें अपने मंच पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बैठाकर सुशोभित करने का उनकी जरूरत पड़ गई। ये वो शख्सियत है जिनके लिए इस देश के अंदर, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर यदि किसी के अनुयायी दिन पे दिन बढ़ रहे हैं तो शायद वो एक इस दुनिया में शख्सियत है जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, नहीं तो सभी के अनुयायी दिन पे दिन घट रहे हैं, एकमात्र बाबा साहब के अनुयायी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही उसके पीछे कारण है, उन कारणों को हमें ढूंढना होगा और उसके आधार पर फिर हमें आगे इस देश के अंदर शासन प्रशासन और अपनी जिंदगी को जीने के लिए फिर रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को वहाँ पीछे के दौर पे लेके चलता हूँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया, और ये ऐसी शख्सियत है कि इस देश के अंदर 16 बार देश का चुनाव और देश का प्रधानमंत्री बना है। यदि देश के प्रधानमंत्रियों की डिग्री मिला ली जाए उस 16 शासन काल के अंदर इस देश के राष्ट्रपति की डिग्री की तुलना कर ली जाए, सारे सेना के जितने भी सेना अध्यक्ष है उनकी डिग्री मिला ली जाए, यहाँ के मुख्य चुनावाधीश की डिग्री मिला ली जाए, इन सब की डिग्री मिला लो तो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के डिग्री के बराबर आज तक कोई मायके वाले देश के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। तो जिस बाबा साहब को देश के अंदर गली गली पर एक एक कदम पर रोकने का काम किया, लोगों ने रोड़ा अटकाने का काम किया, वही बाबा साहब आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सारी बाधाओं को पार करते हुए आज देश के एक एक आदमी की जहन में बैठ चुके हैं। और आज हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए तैयार ना हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब वो सम्मान देश के अंदर हमारे लोगों के लिए कर रहे थे, उस समय बाबा साहब ने सबसे पहले देश के अंदर पानी के लिए संघर्ष आप लोगों के लिए किया कि जिस वेद के आधार पर देश चलता था, जहां आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, आपको पढ़ाई का अधिकार नहीं था, आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आपको मकानों में रहने का अधिकार नहीं था, जानवर से बदतर आप लोग जिंदगी जी रहे थे, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को सबसे पहले इस वेद को जलाने का काम किया कि मैं इन वेदों को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसी शख्सियत को इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति आज नमन करने के लिए तैयार है। तो ऐसे शख्सियत ने साथ जब वो संघर्ष कर रहे थे तो गांधी एंड नेहरू एंड पार्टी ने तो ये ताकत लगा दी थी कि हम देखते हैं अम्बेडकर पार्लियामेंट के अंदर कैसे पहुंचता है, और उन्होंने कहने काम किया कि हम सारी खिड़की दरवाजे पार्लियामेंट के अंदर बंद कर दिए हैं, हम देखेंगे अम्बेडकर कैसे अंदर जाएगा। ये तो धन्य चांडाल बराबरी के लोग, उससे मुस्लिम लीग के लोगों ने जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जयसोर खुलना से पार्लियामेंट में जिताकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम किया। और आज यदि मैं यहाँ खड़ा होकर बोलने लायक स्थिति में पहुंचा हूँ, मेरे तन पर एक भी कपड़ा है, इस धरती पर यदि कोई भी आदमी यदि है तो शायद मेरा मानना है कि यदि मेरे तन पर एक कपड़ा आया है, आपके तन पर एक कपड़ा आया, ये हमारे बाप दादा की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो ऐसी शख्सियत को जितनी बार नमन किया जाए उतना ही कम है, मगर उन्होंने बहुत संघर्ष किया जिसको आज तक साथियों हम लोगों ने नहीं माना। जब इस देश के अंदर संघर्ष करकर वो साथियों संविधान में पहुंचे तो सबसे पहले वहां गद्दारी शुरू हो गई, और जैसे ही साथियों वो उस समय पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे उसी समय साथियों देश का बंटवारा हो गया, और देश के बंटवारे में ये निश्चित किया गया था कि भारत के अंदर जहाँ 50% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं वो क्षेत्र भारत में रहेगा, और जो जहां पर साथियों हिंदू 50% से ज्यादा है वो साथियों पाकिस्तान के अंदर जाएगा। मगर साथियों जैसे खुलना से साथियों वहां पर
50% से ज्यादा साथियों वहां पर साथियों हिंदू लोग रहते थे, मगर साथियों जानबूझ के इन्होंने उन्होंने सजा उस क्षेत्र को सजा देने का काम किया और जैसू फूलों को जानबूझ कर पाकिस्तान के अंदर साथियों घेरने का काम किया। और जब बाबा साहब जीते हुए एमपी साथियों उस समय पाकिस्तान के एमपी बन गए और साथियों हिंदुस्तान में उनके लोग यहाँ हिंदुस्तान में रहने, बाबा साहब फिर अंग्रेजों के पास गए और उन्होंने कहने का काम किया कि गांधी और नेहरू ने फिर मेरे साथ चाल चल दी है, इन्होंने फिर मुझे पाकिस्तान का एमपी बना दिया है। तो साथियों उस समय वहां के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने बुलाकर कहने का काम किया, गांधी और नेहरू को बुलाया कि साथियों हम देश की जब तक आजादी नहीं देंगे जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पार्लियामेंट के अंदर जिताकर नहीं भेजेंगे। इस देश की भी आजादी भी मिली है तो वो भी बाबा साहब के छात्र नाम पर मिली है, यदि बाबा साहब उस समय साथियों ये एमपी बनाकर नहीं भेजते तो साथियों उस समय देश की आजादी नहीं मिल सकती थी। तो बाबा साहब को इन्होंने मजबूरी में उस समय जिताकर भेजा और साथियों उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों के देश के संविधान को लिखने का काम किया और जिस समय देश का संविधान उन्होंने हाथ में दिया तो एक कहने का काम किया कि आज से तुम दोहरी जिंदगी में जीने का प्रयास करोगे। मैंने तुम्हें वोट के आधार पर तो राजनीति में तो बराबर कर दिया है मगर सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर तुम गैर बराबरी की जिंदगी जीने का काम करोगे, इसलिए जल्दी से जल्दी इस लोकतंत्र के आधार पर इस वोट का सही इस्तेमाल कर आप लोग साथियों अपनी सरकारें बना लेना और यदि आप लोगों ने सरकार नहीं बनाई तो ये लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आज आजादी के 70 साल बीत चुके हैं, आज वही दिन आ गया है जो बाबा साहब ने उस समय कहा था कि वोट के आधार पर तो तुम साथियों बराबर हो मगर यदि सरकारें नहीं बनाओगे तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आज वही दिन यहाँ इस देश के अंदर चल रहे हैं, इस देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है क्योंकि हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना, हमने साथियों देश के अंदर उन लोगों की सरकारें बनाते रहे जो साथियों बाबा साहब को जो परेशान करते रहे। इस देश के अंदर साथियों आपको इस देश के अंदर कोने कोने पर आपके हाथ और भूख को खाते रहे, हमने ऐसे लोगों की सरकारें बनाने का काम किया। इसलिए साथियों जो बाबा साहब की बात को आज भी हम लोग मान लें तो साथियों निश्चित तौर पर जब तक साथियों बाबा साहब की बात को हम नहीं मानेंगे आप पर हमारा भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने उंगली पार्लियामेंट की तरफ इशारा करके भी ये कहने काम किया कि कैप का दुष्टम करो पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, 47 मंदिर पे गरीबों कब्जा कर लो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मगर साथियों हम लोगों ने जिद कर रखी है कि कोई मेरा पौ मौका हानि और चेरी छोड़ना हो बेगानी, कोई राजा बन जाए हमें क्या लेना देना है मगर हमें राजा बनाना नहीं है, हमें तो राजा बनाना है हमें राजा बनना नहीं है। मगर इस देश के अंदर यदि बाबा साहब के मूवमेंट को कोई देश के अंदर चला रहा है तो एकमात्र नेता आज इस देश के अंदर बची है, एक पार्टी देश के अंदर एकमात्र बची है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया घन कुमारी महती है, जिन्होंने जिद कर रखी है कि मैं इस देश के अंदर ना तो गांधीवाद को रहने दूंगी ना ही देश के अंदर साथी देश के अंदर ब्राह्मणवाद को रहने दूंगी, मैं इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरवाद को लाने का काम करूंगी। नहीं तो साथियों आज इस देश के अंदर वो विषम परिस्थिति है, पद पद पर उनके राष्ट्र में रोड़ अटकाया जा रहा है मगर साथियों अकेली अकेली आपकी नेता इस देश के अंदर संघर्ष करते नजर आ रही है और हमारे लोग आज भी बहन कुमारी महती की बात को नहीं समझ रहे। जो लोग आज पानी के आधार पर जिनके बाप दादा ने पानी के लिए संघर्ष नहीं किया, जब आपको पानी पीने का अधिकार देश के अंदर नहीं था आज तुम्हें वो लोग फ्री में पानी पिलाने की बात करते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, उस साजिश को आपको समझना होगा और साथ ही उसके आधार पर हम लोगों को बात करनी होगी। हम बहन कुमारी महती के साथ इस देश के अंदर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है मगर ऐसी पार्टियों के साथ खड़े हैं चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और एक खामुखा पार्टी आई उसके पीछे भी हम लोग लग गए और साथियों आज हमने अपने नेता जो इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद को लाना चाहती है, जो बाबा साहब को इस देश के अंदर जिंदा रखना चाहती है, ऐसी पार्टी के साथ साथ के साथ हम लोग नहीं खड़े हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आज जिससे भी बात करो जो भी बात करता है वो यही कहने काम करता है अरे मायावती ने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत पैसा उनके पास, तुम्हें पैसे क्या जरूरत है, मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमने कितनी सरकार बनाई है, अरे 4.5 महीने 6 महीने 15 महीने और 5 साल, 4 सरकारें आपने बनाई है, चारों को टोटल कर लो 7.5 साल आता है और साथ में देश के अंदर एक सरकार का शासनकाल 5 साल होता है, 7.5 साल में भी बहन कुमारी महतो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 70 साल में जिनको आप लोगों ने राय पाट दिया है उनके पास कितना पैसा होगा। तो साथियों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साथियों वो लोग जानते हैं बहन कुमारी महतो ने वो काम कर दिया जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चाहती, जो इस देश के अंदर हमारे महापुरुषों को सपना था कि हम इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने काम करेंगे, बाबा साहब के इस मिशन को इस देश के अंदर लाने काम करेंगे, वो चाहती तो साथियों वो भी बिक सकते थे।
यदि आज वो देश के प्रधानमंत्री से कहें कि मुझे एक मंत्रालय दे दे तो साथी एक नहीं प्रधानमंत्री 10 बार चल कर आएगा, उनके आगे घुटने टेकने काम करेगा और एक मंत्रालय नहीं 10 मंत्रालय उनको दे सकता है। मगर धन कुमारी मैत्री ने अपना सौदा नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूवमेंट को देश के अंदर चलाने का काम करूंगी। एकमात्र नेता देश के अंदर आज की तारीख में ऐसी है जो बाबा साहब के मिशन को चलाना चाहती है। नहीं तो रामलाल पासवान बनना बहुत आसान है, राम अठावले बनना बहुत आसान है और साथियों उदित राज बनना बहुत आसान है, मगर कोई भी आदमी उनको कहने के लिए तैयार नहीं है। अरे जिसका नाम गिनीज बुक में लिखा हुआ है, जिसने साथियों जितनी सरकारें बनी है उसमें उसे मंत्रालय मिलने काम किया है, लेने काम किया है, क्या उसके पास पैसा नहीं है? मगर हमारे लोग जो इस देश के अंदर बाबा साहब के मूवमेंट को चलाना चाहती है, जो इस देश के अंदर आपके इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं साथियों, उसके लिए हम लोग विरोध करने के लिए तैयार है, उनके लिए क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही थी मगर पेट का पानी दिल्ली के लोग का हिल रहा था। यहाँ बड़े लिखे लोग बोलते थे अरे मायावती का दिमाग खराब हो गया है, मायावती वहां पत्थर लगा रही है, मायावती अपनी मूर्ति लगा रही है और मायावती वहां पर पार्क बना रही है। उन्हें ये नहीं पता कि साथियों बहन कुमारी मैत्री जितनी मूर्ति लगाने का काम किया है, जो भी पार्क लगाने का बनाने का काम किया है, साथियों जितने भी पार्क आपने उसके अंदर जाए एक भी आदमी बिना टिकट के अंदर नहीं घुस सकता। अरे जब टिकट के बिना घुस नहीं सकता तो साथियों वहां पर टिकट का पैसा किसके पास जाएगा? वो तो राजस्व इकट्ठा कर दिया नेहरू कितने मात्र उत्तर प्रदेश का 1% बजट 600 करोड़ लगाकर नेहरू कितने हजार करोड़ साथियों रिटर्न सरकार के खाते में चला जाएगा। आज देश की साथियों फिल्म इंडस्ट्री सबसे यदि पहली उनकी पसंद है तो बहन कुमारी मैत्री द्वारा बनाए गए पार्क एक एक साथियों पार्क के अंदर फिल्म की शूटिंग करने के लिए एक एक गाने के लिए 15-15 करोड़ लेने का काम किया है। ये 15 करोड़ का अकाउंट क्या बहन कुमारी मैत्री के अकाउंट में गया? ये किसके अकाउंट में गया? ये साथ ही वहां की सरकार के अकाउंट में गया। इस देश का प्रधानमंत्री आज 2 मूर्ति बनाने के लिए लगा है जिसकी कीमत 6,000 करोड़ है, महंगी ने 600 करोड़ लगाया मगर साथियों वहां पर 6,000 करोड़ की मूर्ति बना रहा है और उस देश को उसने दे दिया जिसके लिए कहता था उसे घुटने के बल चला दूंगा। साथियों वहां जाकर उसे हिंदुस्तान में कारीगर नहीं मिले, वो साथ चीन में जाकर मूर्ति बनाने के लिए ठेका देके आया है। साथियों 600 करोड़ की 2 मूर्तियां और 1 पैसा रिटर्न आने वाला नहीं है। और बहन कुमारी महतो ने जितनी मूर्ति बनाई है जितने पार्क बनाए हैं उन्होंने साथियों इसलिए बनाए हैं कि देश के अंदर गरीबों के इतिहास को जाना जाए। जब कल हमारे बच्चे पैदा होंगे आपकी जनरेशन पैदा होगी तो ये कहने काम करेगी कि साथ हमारे बाप दादा इस देश के अंदर राजा थे। अरे जिसका इतिहास होता है साथियों उसे देख के उसके आगे आगे आने वाली पीढ़ी भी उससे सबक लेती है। बहन कुमारी महतो इसलिए सबसे पहले वो काम करने काम किया जिसके पीछे उन्होंने अपनी सरकार को गवाने काम किया। मगर साथियों बहन कुमारी महतो की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं तो गया जहाँ भी मुझे बहन जी ने जिम्मेदारी लगाई, मैंने लोगों से पूछा जाकर कि चलो बहन कुमारी महतो का दिमाग खराब था, भाई तुम अपना दिमाग का हिसाब किताब बता दो, तुमने 70 साल से यहाँ सरकारें बनाई है, तुम अपना हिसाब बताओ, ये यहाँ के देश के प्रधानमंत्री का हिसाब बताओ, यहाँ के मुख्यमंत्रियों का हिसाब बताओ, आप बताओ देश का। यहाँ पर हम लोग आजादी का जश्न मनाते हैं वो 15 अगस्त को साथियों इस देश के अंदर सबसे पवित्र दिन मानते हैं ये लोग कि भाई आजादी का दिन है, हमने गुलामी निजात पा ली थी। आजादी का जश्न मनाने के लिए देश का प्रधानमंत्री झंडा कहाँ लहराने के लिए जाता है? कहाँ जाता है भाई? ये लाल किला बनाया किसने था? अरे तो मुस्लिम शासन काल के अंदर बना था। दुनिया में 10 आश्रम है उसमें एक ताजमहल भी है, ये ताजमहल किसने बनाने का काम किया था? ये भी मुस्लिम शासन काल में बना। एक दिल्ली में कुतुब मीनार कहा है, ये कुतुब मीनार किसने बनाने का काम किया? ये भी साथियों मुस्लिम शासन काल में बना। और दिल्ली का दिल बताते किनार प्लेस, ये किनार प्लेस किसने बनाने का काम किया? ये अंग्रेजों ने बनाने का काम किया। उससे आगे चलो तो साथियों इंडिया गेट खड़ा है, रात को लोग अपनी एसी गाड़ी के अंदर कुत्ते को भी बैठाएंगे, बीवी को बैठाएंगे, बच्चों को बैठाएंगे, रात के 2-2 बजे तक वहां पर आइसक्रीम चाटते हैं। इंडिया गेट किसने बनाया? ये भी साथियों अंग्रेजों ने बनाया। उससे आगे चलो देश का प्रथम नागरिक 1024 कमरे है उसके अंदर, 340 कमरे में अकेला रहने काम करता है। तो साथियों देश का जो प्रधानमंत्री है, जो देश का राष्ट्रपति है, जो प्रथम नागरिक है, ये राष्ट्रपति भवन किसने बनाने का काम किया? ये भी अंग्रेजों ने बनाने का काम किया। और जिस पार्लियामेंट में बैठकर ये आपका भविष्य निर्धारित करते हैं ये पार्लियामेंट किसने बनाई? ये भी अंग्रेजों ने बनाई। और साथ ही यहाँ की सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ये भी अंग्रेजों ने बनाई। लानत ऐसे देश के प्रधानमंत्रियों को और ऐसे मुख्यमंत्री को और धरते बहन कुमारी मायावती जी जिन्हें मुस्लिम शासन काल के बाद और अंग्रेजों के बाद जमीन में एक भी पत्थर गाड़ने का काम किया है तो आपकी नेता बहन कुमारी मायावती। तो ऐसे नेता के साथ हम लोग खड़ा नहीं होना चाहते। हमारे लोग ये कहने काम करते, हमारे
लोग ये कहने काम करते हैं कि सास और बहन कुमारी मैं तुमने बहुत पैसा कमा लिया। अरे बहन कुमारी मैं जब सरकार बनाने का काम कर दिया तो साथ जो बाबा साहब ने कहा था कि तुम सामाजिक स्तर पर गैर बराबरी की जिंदगी जियोगे तो साथ उनका सामाजिक गरीब बदला, उनका सम्मान ही बदला। और जब साथी उनके पास सरकार रही तो थोड़ा पैसा भी आया तो साथी ये दुश्मन को देखने के लिए ये नहीं पचा उन्हें, तो इसलिए वही काम हमारा समाज भी करने लगा। मैं तो साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि देश के अंदर किसी से बात कर लो, किसी भी पार्टी के लोगों से बात कर लो कि भाई बहुजन समाज पार्टी किसकी पार्टी है, क्या बोलते हैं? अब आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा तो कहेंगे भी सीपी सिंह ऐसे बोल रहा था। अरे जब भी कहने के लिए तैयार हो तुम्हारी पार्टी है तो साथ वो तो बोलते हैं कि तुम्हारी पार्टी है, मगर तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो कि बहुजन समाज हमारी पार्टी है। यदि हमारी पार्टी होती तो आज 1.3% का रिजल्ट नहीं होता, तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा। दुश्मन को बोलता है कि बहुजन समाज पार्टी तुम्हारी पार्टी है मगर हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर हमारे लोग क्या कहते हैं, अरे मायावती तो हमसे मिलती नहीं, हमसे बात नहीं कर रही, हमारा सवाल नहीं ले रही। भाई जब सरकार बनी थी चार चार बार तुम्हें बुलाकर बात की थी उन्होंने, तुमसे कोई सलाह ली थी? या जो आज लोग लगे हुए उनसे कोई सलाह ली थी? सरकार उन्होंने पहले भी अपने दम से बनाई और आज भी अपने दम से बनाई है। और मैं मंच के माध्यम से कह के जा रहा हूँ कि 2019 के अंदर आज वो स्थिति है, और एक ही चाल ने सबको साथियों ऐसा थोपी पाट मारा है साथियों, रात की नींद उड़ा दी है। और लिख लेना अब मेरी बात को, मैं तो संघ जाति में पार्टी से जुड़ा, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था मेरे घर वाले मुझे गाली बकते थे, मेरे रिश्तेदार गाली बकते थे कि जाले दिमाग खराब हो गया है, पढ़ लिख के कुछ काम कर लो, ये कांसीराम तो तुम्हें मरवाएगा, ये बुढ़ा तुम्हें मरवा देगा। हमने कहा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि तुम्हारी दुर्दशा हमने देख ली है, तुमने जगजीव नाम पैदा किया है जो साथ देश का रक्षा मंत्री और एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए आता है वाराणसी के अंदर, साथ वहां के पंडालों से साथियों से गोमूत्र से धुलने काम किया, दूध से धुलने काम किया, देश का सेनापति देश का साथियों रक्षा मंत्री अपनी रक्षा नहीं कर पाया, अपने सम्मान जिससे तीनों सेनाएं साथियों उसको सलूट मारती थी मगर जब उसका अपमान हो रहा था तो साथियों अपने सम्मान के अंदर एक गोली क्या एक गोला गोला तो बहुत दूर की बात है, गोली खड़े करके किसी को नहीं दिखा पाया, तो ऐसी जिंदगी के लालच है। इसलिए हमने कहा कि हम बाबा साहब की बात को मानेंगे, बाबा साहब के मूवमेंट को देश के अंदर चलाएंगे। और कांशीराम साहब ने कह दिया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यदि वोट हमारा है तो अब राज भी हमारा होगा। तो साथियों मान लो कांशीराम साहब ने वो सपना हमारा पूरा करके दिखा दिया कि जब लोग कहते थे कि वोट से कितना ही, बाबा साहब के मूवमेंट से एक कौन से आप नहीं जीत पाएंगे, एक विधायक नहीं बना पाएंगे, एक एमपी नहीं बना पाएंगे, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की बात तो सबने लेना छोड़ दो। उस समय बाबा साहब की बात को साथियों गार्ड के धर्मशाला के अंदर एक मीटिंग हुई जिसके अंदर एक बूटी हुई साथियों, एक समझौता हुआ वहां पर, और 526 सीट थी, एक सीट आरपीआई को मिली, 525 कांग्रेस को, और साथ सारे लोग ताली बजा रहे थे। वहीं से कांशीराम साहब से अगले गए और उन्होंने जिद करी कि मैं इस मूवमेंट को आज से कर गया और कह गया है कि मैंने कसम खा ली है कि मैंने महाराष्ट्र के लोगों से सीख लिया कि बाबा साहब के मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाता था, और ये भी जान लिया है कि मूवमेंट को कैसे पीछे किया जाता है। मैं यहाँ से शपथ लेके जा रहा हूँ कि इसी मूवमेंट के आधार पर इसी बाबा साहब के मूवमेंट से एमपी भी बनाऊंगा, कौंसिल बनाऊंगा, विधायक भी बनाऊंगा, मुख्यमंत्री बनाऊंगा और देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और वो हालात ला कर खड़ा कर दिए, एक बार नहीं चार चार बार धन कुमारी मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आज लिख लेना 2019 के अंदर साथियों अब चुनाव होने वाला है, अब साथियों कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है, चाहे साथियों ममता बनर्जी हो, चाहे साथियों देवगौड़ा हो, चाहे साथियों वहां पर हार्दिक पटेल हो, चाहे साथियों वहां पर जिग्नेश हो, चाहे साथियों इधर आपका मुलायम सिंह यादव हो, चाहे यहां पर लालू प्रसाद यादव हो, चाहे चौटाला हो, साथियों हर आदमी ने एक ही बात कह दी है कि साथ यदि देश का प्रधानमंत्री बनने लायक कोई नेता है तो आपके नेता बहन कुमारी मुलायम सिंह है। और दिल्ली के लोग मैं आपको गारंटी के साथ बना रहा हूँ कि 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी, कोई मायका रोक नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। मगर दिल्ली के लोग ताली बजाते ना राजा, क्योंकि दिल्ली के लोग ताली बजाने मास्टर, यहाँ 7 लोकसभा की सीट है, यदि 7 में से एक भी जिता दिया आपने तो कम से कम आपके लिए भी आपका नाम हो जाएगा कि आपका योगदान हो जाएगा कि आपने बहन कुमारी मैथ को देश का प्रधानमंत्री बनाने में
दिल्ली का भी योगदान है, और नहीं तो सब जो भारत जाने वाले लोग देखेंगे कि दिल्ली के लोग तो नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये ताली बजाने मास्टर है, इन्होंने लंबे समय ताली बजाई है और जो आया वो शासन करके चला गया। तो साथियों से मैं आपको ऐसे मौके पर कहना चाहता हूँ, यदि हमें बाबा साहब के जन्मदिन को मनाना है, वास्तव में मनाना है, तो हमें जिद करनी पड़ेगी कि अब साथियों कुछ अब और कोई समझौता होने वाला नहीं, अब एक ही बात होगी, एक ही साथ कोई हमारे पास आए ना आए, कोई कहे ना कहे, जब पार्टी हमारी है और साथ नेता हमारी है तो हमारा एक एक बार चुनाव चिन्ह हाथी पे जाना चाहिए और बहन कुमारी महती को पार्लियामेंट के अंदर साथ के साथ जिताकर हमें भेजने काम करना पड़ेगा। वोट की कमी नहीं है, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ साथ 35,000 से लेकर 75,000-80,000 का वोट हमारा ना हो। अरे यदि तुमने वोट दे दिया तो साथियों आज तो यहाँ सब जब समाज की बात हो रही है, ओबीसी की बात हो रही है, मुस्लिम साथियों की बात हो रही है, साथियों आज सारा का जोर बन चुका है। तो साथियों अब तुम पीछे मत रह जाना, यदि हम लोग पीछे रह गए, हम लोग ये देखते रहे कि भाई हमें वहाँ लाभ मिल रहा है, वहाँ मिल जाएगा, अरे लाभ लेने से कुछ नहीं है। लाभ एक, यदि जिन लोगों ने भी लाभ लिया है आज उनकी जिंदगी कुत्ते से ज्यादा बदतर नहीं है। जो इतिहास भी बने बैठे हैं, अभी जब साथियों 2 जून को घंटा हो रही थी, कोई एक भी आदमी मैदान में आपके लिए आया, कौन नेता निकल कर आई, सिर्फ बहन कुमारी महतो के अलावा किसी का झंडा इस देश के अंदर साथियों लहराता हुआ नजर नहीं आया, वो एकमात्र नेता है। यदि बाबा साहब के बाद में किसी ने इस देश के अंदर अपनी कुर्सी को लात मारने का काम किया तो आपके नेता बहन कुमारी महतो समाज के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी को साथियों लड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं इस कुर्सी से क्या करूंगी, यदि मैं अपने समाज के लोगों की बात को नहीं रख पाऊंगी, मेरे समाज के लोग अत्याचार हो रहे हैं और यदि मैं उनकी बात को नहीं उठा पाऊंगी तो ऐसे कुछ 100 बार कुर्बान है, मैं ऐसे कुछ से बैठने के लिए तैयार नहीं है। और कहने काम किया कि जब लोग उनकी पीठ पर उनको बैल से पीट रहे थे, उन्हें लाठी से पीट रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी पीठ पर नहीं मेरी पीठ पर दर्द हो रहा था। तो मैं ऐसी कौम की नेतृत्व करती बहन कुमारी महती, ऐसा दिल है उनका, तो साथ ही ऐसी नेता के लिए हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। मगर साथियों हम लोग अपने नेता को जब वोट डालने का मौका आएगा तो हमारे यहाँ बड़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हजारों संतन बना रखे हैं, वो साथियों निकलेंगे और गलियों में नारे लगाएंगे कि जो पिलाएगा देसी उसकी वोट कैसी, जो पिलाएगा रंग उसकी वोट कम, और जो पिलाएगा बिस्की सारी वोट उसकी। दुर्भाग्य है देश के अंदर की आजादी के 70 साल का बाद भी आपका वोट यदि दारू में बिकता है तो लानत ऐसी जिंदगी पर कि साथ हमारा वोट दारू के अंदर बिकता है। अरे वोट साथियों बेटे की कीमत से भी ज्यादा वोट की कीमत है। बाबा साहब ने 4 बच्चे अपने कब्र के बाहर चले गए, साथियों अपने बच्चों को कब्र नहीं डाल पाए, आपको इस देश के अंदर वोट का अधिकार दिला दिया। और यदि ये वोट का अधिकार नहीं होता तो आज तुम्हारी गली कूचे में कोई चलकर नहीं आता। यदि आज इस देश के अंदर आपका सम्मान है तो इस वोट के कारण है। और यदि संविधान खतरे में हो गया, यदि 2019 में बीजेपी की सरकार बन गई तो भूल जाना इस वोट को, भूल जाना इस देश के लोकतंत्र को, चाहते तुम्हें वहीं पर तुम्हारे मुंह पर हंडिया पीछे झाड़ू बांध दी जाएगी। इसलिए सावधान हो जाओ, इस देश के अंदर साथियों एक मात्र नेता है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए साथियों ऐसे मौके पर, क्योंकि मेरे और दोनों साथी बैठे और मैं ज्यादा बोल गया उनसे क्षमा मांगते हुए कि मैंने जोश में आके कुछ ज्यादा बोल दिया तो मुझे माफ भी करेंगे, मैंने उनका समय ले लिया। मगर साथियों क्योंकि बाबा साहब से गुणगान करना कोई साथ सूरज को दीपक जलाने वाले की बात है, मैं सारी राय लगा रहा हूँ तो साथियों उनके लिए शब्द की कमी नहीं आएगी। इसीलिए यदि हमें बाबा साहब की जन्मदिन को मनाना है तो साथियों हमें उनके आदर्शों को मानना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, और जो देश के वर्तमान हालात चल रहे हैं उन्हें समझ के साथियों अपने दोस्त और दुश्मन को भी पहचानना पड़ेगा। यदि पहले गलती हो गई है तो उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आज इस जन्मदिन के ऊपर साथियों ये शपथ लेकर यहाँ से जाए, यदि मैंने सही कहा है तो हाथ खड़ा करके बात करेंगे कि एक एक वोट चुनाव चुन हाथ पे हम लोग डलवाएंगे डाल रहे, और साथियों कोई हमारे पास आया नहीं मगर हम एक एक वोट चुनाव चुन हाथ पे लगाकर बहन कुमारी महतो को देश का प्रधानमंत्री बनाने में योगदान करेंगे, तभी बाबा साहब की जयंती मनाने का अर्थ है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय।